शुएब अख्तर ने एतराज़ किया है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन बॉलर पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और मोनी मोरकल क्यों बॉलिंग कोच बनाया है पाकिस्तान में आकिब जावेद ने, जैसे लाहौर कलंदर की जानिब से उन्होंने कई बॉलर प्रोड्यूस किए हैं जिनमें ये देख सकते हैं जमान खान अच्छे बॉलर हैं, हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत फेमस हैं। उनके बाद अभी एहसानुल्ला मुल्तान सुल्तान से हैं, लेकिन पहले इन्होंने इब्तदा PSL एड्स में की थी। और आकिब जावेद ने शाहीन शाह आफरीदी को प्रोड्यूस किया। वो नजम सेठी पर ये बात कर रहे थे, ये एतराज़ उठा रहे थे कि गैर मुल्की बॉलर क्यों कोच बन रहे। वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं, नजम सेठी को ये सोचना चाहिए और ये जेन में रखना चाहिए कि वसीम अकरम जैसा आदमी, जैसा बॉलर पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। इतने फेमस हैं उनकी इन स्विंग आउट स्विंग, इसलिए उन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो उनके अपने ही बैट्समैन जैसे राहुल द्रविड़ और इनके अलावा सौरव गांगुली, ये उनकी कोचिंग कर रहे हैं। वो क्यों नहीं यूरोप से कोच मंगवाते? अभी पाकिस्तान में इंज़मामुल हक हैं, वो भी अपने नाम के, अपने पाए के वो खिलाड़ी पाए गए हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। शुएब अख्तर ने कहा है कि मुझे भी कोच रख सकते थे बॉलिंग कोच के लिए, मोहम्मद आसिफ हैं, अज़र महमूद हैं, बहुत नाम है, लेकिन नजम सेठी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।